मेरे प्रिय आदमी, थोड़ा और मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क एक रुग्ण घाव की तरह निर्मित हो गया है। वो एक स्वस्थ केंद्र नहीं है, एक अस्वस्थ फोड़े की भांति हो गया है। और इसीलिए हमारा सारा ध्यान मस्तिष्क के आसपास ही घूमता रहता है। शायद आपको ये ख्याल में आया हो कि शरीर का जो अंग रुग्ण हो जाता है उसी अंग के आसपास हमारा ध्यान घूमने लगता है। अगर पैर में दर्द हो तो ही पैर का पता चलना शुरू होता है, और पैर में दर्द ना हो तो पैर का कोई भी पता नहीं चलता। हाथ में फोड़ा हो तो उस फोड़े का पता चलता है, फोड़ा ना हो तो हाथ का कोई पता नहीं चलता। हमारा मस्तिष्क जरूर किसी न किसी रूप में रुग्ण हो गया है, क्योंकि 24 घंटे हमें मस्तिष्क का ही पता चलता है और किसी चीज का कोई पता नहीं चलता। शरीर जितना स्वस्थ होगा उतना ही उसका बोध नहीं होगा। जो अंग अस्वस्थ होता है उसी का बोध होता है। मस्तिष्क का ही हमें बोध होता है शरीर में, उसके आसपास ही हमारी चेतना घूमती है और जानती है और पहचानती है। जरूर वहां कोई रुग्ण घाव पैदा हो गया। इस रुग्ण घाव से मुक्त हुए बिना मस्तिष्क की इस अत्यंत अशांत और तनाव से भरी हुई स्थिति से मुक्त हुए बिना कोई व्यक्ति जीवन की केंद्र की ओर गति नहीं कर सकता है। इसलिए आज मस्तिष्क की इस स्थिति और इसमें परिवर्तन के लिए कुछ विचार हम करेंगे। पहली तो बात है हम मस्तिष्क की स्थिति को ठीक से समझें। यदि 10 मिनट को आप एकांत में बैठ जाएं और आपके मन में जो विचार चलते हों उन्हें एक कागज पर ईमानदारी से लिख लें, तो उस कागज को आप अपने निकटतम मित्र को भी बताने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि आप पाएंगे उसमें ऐसे पागल विचार हैं जिनकी आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं करता, आप स्वयं भी अपने से अपेक्षा नहीं करते। इतने असंगत, इतने व्यर्थ, इतने एक दूसरे से असंबद्ध विचार हैं कि आपको प्रतीत होगा आप पागल तो नहीं हो गए। ईमानदारी से 10 मिनट आपके मन में जो भी चलता है उसे वैसा ही लिख लें तो आप खुद ही आश्चर्य से भर जाएंगे कि मेरे मन के भीतर ये क्या चलता है, मैं स्वस्थ हूं या विक्षिप्त। लेकिन कभी हम 10 मिनट के लिए भी मन के भीतर झांक के नहीं देखते कि वहां क्या चल रहा है। हो सकता है हम इसीलिए ना झांकते हो कि हमें बहुत गहरे में इस बात का पता है कि वहां क्या चल रहा है। शायद हम भयभीत, इसीलिए आदमी अकेले में होने से डरता है और 24 घंटे किसी न किसी का साथ खोजता रहता है। कोई मित्र मिल जाए, कोई क्लब हो, कहीं भीड़ हो, नहीं कोई मिले तो अखबार मिल जाए, रेडियो मिल जाए, लेकिन अकेला कोई भी नहीं होना चाहता, क्योंकि अकेले होते से ही स्वयं की जो वास्तविक दशा है उसकी खबर मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरे की मौजूदगी में हम दूसरे में उलझे रहते हैं और खुद का कोई भी पता नहीं चलता। दूसरे की जो तलाश है वो अपने से दूर भागने की तलाश के सिवाय और कुछ भी नहीं, वो स्वयं से पलायन है, स्वयं से एस्केप है। हम जो दूसरे लोगों में इतने उत्सुक होते हैं उसका बुनियादी कारण यह है कि हम अपने से डरते हैं, और हमें भली भांति पता है कि अगर हमने पूरी तरह अपने को जान लिया तो हम पाएंगे कि हम बिल्कुल पागल हैं।
इस स्थिति से बचने के लिए आदमी साथ खोजता है, संगी खोजता है, मित्र खोजता है, समाज खोजता है, भीड़ खोजता है। एकांत से आदमी डरता है, एकांत से भयभीत होता है, क्योंकि एकांत में उसकी वास्तविक स्थिति का प्रतिफलन मिल सकता है, उसके खुद के चेहरे की छाया उसे दिखाई पड़ सकती है, और वो बहुत घबराने वाली होगी, वो बहुत डराने वाली होगी। इसलिए सुबह उठने के बाद सोने तक हम अपने से भागने के सब उपाय करते रहते हैं कि कहीं स्वयं से मिलना ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खुद से मुलाकात हो जाए। और हजारों तरकीबें आदमी ने विकसित की हैं स्वयं से भागने की, और जितना मनुष्य की मस्तिष्क की स्थिति बिगड़ती गई है उतने ही हमने स्वयं से भागने के लिए नए नए आविष्कार किए। अगर हम पिछले 50 वर्षों की मानसिक दशा का आकलन करें तो हम पाएंगे कि 50 वर्षों में आदमी ने स्वयं से भागने की जितनी इजादें की हैं इसके पहले कभी भी नहीं की थी। हमारे सिनेमा गृह, हमारा रेडियो, हमारे टेलीविजन सब स्वयं से भागने के उपाय। और आदमी इतना परेशान होता जा रहा है, मनोरंजन की इतनी खोज, स्वयं को थोड़ी देर के लिए भुलाने के लिए इतना आयोजन इसीलिए किया जा रहा है कि भीतर स्थिति बिगड़ती जा रही। दुनिया भर में सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ नसों का प्रयोग बढ़ता चला गया है, और अभी नए नए नशे खोजे गए हैं जिनकी यूरोप और अमेरिका में जोर से धूम है। लिसर्जिक एसिड है, मेस्कलीन है, मारिजुआना है, सारे यूरोप और अमेरिका के सारे सभ्य नगरों में, सारे शिक्षित लोगों में जोर से नए नए नशों की खोज चल रही है कि आदमी के लिए स्वयं को भूल जाने का कोई सुव्यवस्थित उपाय होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्या कारण इस सब के पीछे होगा, क्यों हम अपने को भूलना चाहते हैं? सेल्फ फॉरगेटफुलनेस के लिए, आत्मविस्मरण के लिए हम इतने आतुर क्यों? और आप ऐसा ना सोचें कि सिनेमा में जाने वाले लोग ही स्वयं को भूलते हैं, मंदिर में जाने वाले भी इसीलिए मंदिर जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। मंदिर स्वयं को भूल जाने का पुराना उपाय है, सिनेमा नया उपाय है। एक आदमी बैठ के राम राम जपता रहता है तो आप ये न सोचें कि वो कोई भिन्न काम कर रहा है, वो राम राम के शब्द में स्वयं को भूलने की उसी भांति कोशिश कर रहा है जैसे कोई आदमी फिल्मी गीत सुन के कर रहा हो। इन दोनों बातों में फर्क नहीं। अपने से बाहर किसी भी चीज में उलझने की कोशिश, वो चाहे राम हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, अपने से बाहर किसी भी चीज में उलझे रहने की कोशिश बहुत बुनियाद में, गहरे में अपने से बचने की कोशिश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये आत्म पलायन चल रहा है और हम सब इसमें किसी न किसी रूप में संलग्न हैं। ये इस बात की सूचना है कि भीतर स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है और वहां झांकने का साहस भी हम खोते जा रहे हैं, वहां देखने का साहस भी हम खोते जा रहे हैं, वहां आंख ले जाने के लिए भी हम भयभीत हो गए। हम उन शुतुरमुर्गों की तरह काम कर रहे हैं जिनके बाबत आपने सुना होगा कि वो दुश्मन को देख के रेत में मुंह छिपा के खड़े हो जाते। दुश्मन को देखना खतरनाक है, दुश्मन सामने है, शुतुरमुर्ग अपने सिर को रेत में गपा लेता है और निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि जब दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता तो तर्क उसका कहता है कि जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है, लेकिन ये भूल भरा तर्क है। और शुतुरमुर्ग माफ किए जा सकते हैं, आदमी माफ नहीं किया जा सकता। नहीं दिखाई पड़ने से कोई चीज मिट नहीं जाती, दिखाई पड़ने से तो मिटने का कोई उपाय भी हो सकता है, लेकिन न दिखाई पड़ने से तो मिटने का उपाय भी नहीं किया जा सकता। हम भूलना चाहते हैं भीतर जो स्थिति है उसे, उस स्थिति को हम देखना नहीं चाहते। शायद हम मन में ये संतोष कर लेते होंगे कि जो नहीं दिखाई पड़ रहा वो नहीं है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा वो पूरी तरह है, न दिखाई पड़ने से न हो जाने का कोई संबंध नहीं है।
और अगर दिखाई पड़ता तो शायद हम उसे बदल भी सकते, लेकिन नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम उसे बदलने में भी असमर्थ हो गए हैं। वो भीतर बहता जाएगा एक ऐसे घाव की तरह, एक ऐसे फोड़े की तरह जिसे हमने छिपा लिया है और जिसे हम देखने को तैयार नहीं। मस्तिष्क एक फोड़ा हो गया है। अगर किसी दिन ऐसा संभव हो सका कि कोई मशीन ईजाद हो सकी और हम एक एक आदमी के भीतर क्या चलता है उसे देखने में समर्थ हो सके, तो शायद दुनिया में हर आदमी उसी क्षण आत्मघात कर लेगा, क्योंकि कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि उसके भीतर क्या चलता है इसे कोई और देख ले। ये किसी न किसी दिन संभव हो जाएगा। और ये परमात्मा की बड़ी दया है कि उसने ऐसी खिड़की नहीं बनाई हमारे मस्तिष्क में जिसमें से हम झांक के एक दूसरे के भीतर क्या चलता है उसे देख ले। आदमी भीतर दबाए बैठे हुए हैं कुछ और, बाहर वे जो कहते हैं वो बहुत और है, बाहर जो उनके चेहरे पर दिखाई पड़ता है वो कुछ और है, भीतर जो उनके चलता है वो बिल्कुल और। हो सकता है बाहर वे प्रेम की बातें कर रहे हों और भीतर घृणा के विचार चल रहे हों। हो सकता है वे सुबह से मिलकर किसी आदमी से कह रहे हों कि नमस्कार, आपको देख के बहुत आनंद हुआ, सुबह से आप मिल गए बड़ी खुशी हुई, और भीतर वे कह रहे हों कि इस दुष्ट का चेहरा सुबह से कैसे दिखाई पड़ गया। अगर एक विंडो हो, एक खिड़की हो और हम आदमी के सिर के भीतर झांक सके तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए, जीना कठिन हो जाए। जिससे वे मित्रता की बातें कर रहे हो भीतर सोच रहे हो कि यह आदमी कब खत्म हो जाए। ऊपर कुछ और है, भीतर कुछ और है, और भीतर की तरफ हम देखने की हिम्मत भी नहीं करते कि भीतर हम झांके और देखें। एक रात ऐसा हुआ, एक घर में एक मां थी और उसकी बेटी थी, और उन दोनों को रात में उठ के नींद में चलने की बीमारी और आदत थी। कोई 3 बजे होंगे रात में, तब वो मां उठी और मकान के पीछे बगिया में पहुंच गई। नींद में ही स्लीप वॉकिंग की आदत थी, नींद में चलने की और बात करने की। वो मकान के पीछे बगिया में पहुंच गई, उसकी लड़की भी उठी और वो भी थोड़ी देर बाद बगिया में पहुंच गई। जैसे ही उस बूढ़ी ने अपनी लड़की को देखा वो जोर से चिल्लाई, चांडाल, तूने ही मेरी युवावस्था छीन ली है, तूने ही मेरी जवानी छीन ली, तू जब से पैदा हुई तब से मैं बूढ़ी होनी शुरू हो गई, तू मेरी शत्रु है, तू ना होती तो मैं अभी भी जवान होती। उस लड़की ने जैसे ही अपनी बूढ़ी मां को देखा वो जोर से चिल्लाई कि दुष्ट, तेरे ही कारण मेरा जीवन एक संकट और बंधन बन गया है, मेरे जीवन के हर प्रवाह में तू रोड़े की तरह खड़ी हुई, मेरे जीवन के लिए तू एक जंजीर बन गई। और तभी मुर्गे ने बांग दी और उन दोनों की नींद खुल गई। बूढ़ी ने लड़की को देखते कहा, बेटी इतनी सुबह क्यों उठाई, कहीं तुझे सर्दी ना लग जाए, चल भीतर चल। और उस लड़की ने जल्दी से अपने बूढ़ी माँ के पैर पड़े, सुबह से पैर पड़ने की उसकी रोज का नियम था, और उसने कहा कि माँ तुम इतने जल्दी उठाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इतने जल्दी नहीं उठना चाहिए, आप चलिए और विश्राम करिए। और नींद में उन्होंने ये कहा और जाग के उन्होंने ये कहा। नींद में आदमी जो कहता है वो जागने की बजाय ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि ज्यादा भीतरी होता है। सपने में जो आप देखते हैं वो आपकी कहीं ज्यादा असलियत है बजाय उसके जो रोज आप बाजार और भीड़ में देखते हैं। भीड़ का चेहरा बनाया हुआ कृत्रिम चेहरा है, आप अपने गहरे में बिल्कुल दूसरे आदमी। ऊपर से आप कुछ अच्छे अच्छे विचार चिपका के काम चला लेते हैं, लेकिन भीतर विचारों की आग जल रही। ऊपर से आप बिल्कुल शांत और स्वस्थ मालूम होते, भीतर सब अस्वस्थ और विक्षिप्त। ऊपर से आप मुस्कुराते मालूम होते हैं, और हो सकता है कि सारी मुस्कुराहट भीतर आंसुओं के ढेर पर खड़ी हो, बल्कि बहुत संभावना यही है कि भीतर जो आंसू हैं उनको छिपाने के लिए ही मुस्कुराहट का आपने अभ्यास कर लिया। आम तौर से आदमी यही करता है। नीत्से से किसी ने एक बार पूछा कि तुम हमेशा हंसते रहते हो, इतने प्रसन्न हो, सच में ही क्या? नीत्से ने कहा, अगर तुमने पूछ ही लिया है तो मैं असलियत भी बता दूं, मैं इसलिए हंसता रहता हूं कि कहीं रोने ना लगूं, इसके पहले कि रोना शुरू हो जाए मैं हंसी से उसको दबा लेता हूं, भीतर ही रोक लेता हूं। मेरी हंसी दूसरों को धोखा दे देती होगी कि मैं खुश हूं, और मैं सिर्फ इसलिए हंसता हूं कि मैं इतना दुखी हूं
कि हंसने से ही राहत मिल जाती है अपने को।